अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक सबके घरों में खैरियत रखे, आमीन। ये मैंने शीशा मैंने इससे पहले वीडियो में लगा लिया था, अब मैं इसके हर बार ये मरोड़ी का काम कर रही हूँ। आप देखें, ये शीशे मेरी पिछली वीडियो में शीशा लगाया हुआ है, ये शीशा लगाया, वीडियो बड़ी हो रही थी इसकी वजह से दो हिस्सों में किया इसको। इस तरह शीशे लगा लें और फिर इसके हर बार ये इस मरोड़ी को मैंने येलो कलर का धागा लिया है और इसके हर बार इस तरह घुमाना है। अब इस तरह ये जैसे छपा हुआ है इसी पे ये बनेगा। वैसे छपाना इतना ज़रूरी भी नहीं होता, वैसे भी बन सकता है। अब देखिएगा बन के बहुत अच्छा लगेगा। शीशे की वीडियो आप मेरी पिछली वीडियो में देखिएगा, शीशा उसमें मैंने लगाना सिखाया है, यही गोल वाला। ये इस तरह देखें, इसके तीनों तरफ ये टांके लगा लेना है, फिर वापस से बल देना है। आप चाहे ऊपर से पहला बल दे टांका लगा लें या साइड से लगा लें, जहाँ से भी आपको सहूलत लगे वो आपकी मर्ज़ी है। बस इस तरह गोल शेप में देखे आना है, इसको बल देना है। बहुत इजी हो जाता है बनाना ये। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आप देखते हैं आप सब सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़। हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं, आप लाइक करें शेयर करें। देखें इस तरह हो जाएगा। चारों तरफ इसके टांका लगेगा, अब ये नीचे भी लगेगा और चारों तरफ लगेगा ये। देखें ये इस तरह करके लगा लें। बहुत इजी है ये बनाना। आप इसके नीचे फ्यूज बुकरम भी लगा सकते हैं, मैंने तो फ्यूज बुकरम नहीं लगाई। अगर बारीक कपड़ा हो तो आप उसके नीचे फ्यूज बुकरम लगा लें, वो छुप जाता है, नज़र भी नहीं आता। ये बग़ैर छपाई के भी हो सकता है, अगर आप बग़ैर छपाई के कर सकते हैं तो। मैंने आपको दिखाने के लिए छपाई की है, इस तरह करके बनेगा, आप देखते जाएं। ये चादरों पे बहुत अच्छा लगता है और बच्चों के सूट पे भी बना लें, दुपट्टे पे बना लें। ये देखें इस तरह बन गया। अब ये अगले स्टेप पे आ जाते हैं। हमेशा पहले शीशा लगाएं, फिर उसके बाद से ही बनाना शुरू करें। अगर आप ऊपर से शुरू कर लेंगे तो वो है ना झोल सा आएगा, इतनी खूबसूरती नहीं आएगी। इसके साथ सितारे भी लगते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सितारे नहीं लगाए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सितारों के साथ बताऊंगी।
कैमरे के सामने वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, वैसे तो ये बहुत ईजी है फूल, लेकिन वो कभी कैमरा हिल जाता है, कुछ ना कुछ मसला हो जाता है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये इस तरह पूरे में बन जाएगा। ये देखिए ये हो गया, अब ये आठ की तरह बनेगा, जैसे एट लिखते हैं ना उस तरह बना लें, बीच में कर लें, बस इसी तरह से ये घुमाते जाएं और धागे को और टांका देते जाएं, जिस तरह आपको इजी लगे आप बनाते जाएं, बहुत इजी है बनाना। ये देखें पूरा बल्ब देके भी आप कर सकते हैं, पहले बीच में लगा लें, मैं इस तरह भी करती हूँ। ये देखिए ये मरोड़ी इतनी सख्त होती है कि ये खुद ब खुद डिज़ाइन बनता जाता है, बहुत इजी होता है। इसके बीच में आप चीड़ भी लगा सकते हैं, मोती चीड़ पर्ल के मोती, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी वीडियो लंबी बहुत हो रही थी तो इस वजह से मैंने एक दफ़ा इस पे ही रखा कि आपको ये आ जाए, फिर अगली मैं इंशाल्लाह चीड़ मोती भी लगाना सिखाऊंगी, सितारे वगैरह। बस इनके चारों तरफ टांका लगाना है, ये इसको कवर अच्छी तरह करना है, वो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत इजी है।
ये देखें इसी तरह बनेगा, ये ऊपर एक होगा बल देके फिर इस तरह आएगा। मैं तो आर्ट की तरह बोल रही हूँ, आप वो जिस तरह अच्छा लगे समझ में आए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी होगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बन रहा है। इसको अच्छी तरह टाइट करके फिर कटर से काट लूंगी। ये देखिए मेरे आपको अच्छा लगेगा। ये देखें मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। शुक्रिया।